क्वेश्चन है हमारे पास, उत्पन्न द्रविड़े भक्ति कर्णते वृद्धि मागता, स्थित किंचिता महाराष्ट्रे गुर्जरे जिर्तनम गता, सेट इन पदम पुराण। तो बहुत अच्छी सुंदर लाइन यहाँ पर दी गई, बट ऑफकोर्स सब लोगों को समझ में नहीं आ सकती है, राइट? आगे यहाँ पर जो लिखा है क्वेश्चन, वहाँ से अच्छे से एनालिसिस हो रहा है, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि क्या बताना है इसमें। अकाउंट फॉर द इमर्जेंस ऑफ भक्ति इन द्रविड़ देश। द्रविड़ देश किसको बोलेंगे? द्रविड़ देश इज द एरिया ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है? तो साउथ में जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द तमिलनाडु केरल रीजन, उस रीजन की बात यहाँ पर हो रही है। तो इन्होंने कहा कि उत्पन्न द्रविड़ भक्ति, मतलब द्रविड़ भक्ति जो है या भक्ति मूवमेंट जो है वो अराइज होती है, पैदा होती है, उत्पन्न, ठीक है? इट वॉज बॉर्न इन द द्रविड़ रीजन। कर्णते वृद्धि मगता, वृद्धि, वृद्धि हुई मतलब फैला, और ज़्यादा फैला। कब और कौन से समय में? कर्नाटका की बात यहाँ पर हो रही थी, जहाँ पर ये और ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है? फिर आता है स्थित किंचिता महाराष्ट्रे गुर्जरे जिर्तन्नम, मतलब कि महाराष्ट्र के अंदर आके और ज़्यादा किंचित स्थित, किंचित किंचित मतलब और ज़्यादा ये फैलने जा रही है, महाराष्ट्र में फ्लरिश कर रही है। और फाइनली गुर्जरे जिर्तनम गता का मतलब हुआ क्या? कि ओल्ड हो रही है कहाँ? गुजरात के अंदर, मतलब काफ़ी अपनी मेच्योर स्टेज में पहुँच चुकी है जब तक गुजरात के अंदर पहुँचती है तो। और इन सारी बातों के अंदर उन्होंने अकाउंट करने के लिए कहा फॉर द एमरजेंस ऑफ भक्ति इन द्रविड़ देश, ठीक है? कैसे होता है एमरजेंस, पैदा कैसे हो रही है द्रविड़ देश के अंदर, वो हमने बात करनी है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट का मीनिंग समझा देंगे, और भक्ति मूवमेंट जो है अगर पता है तो समझा देंगे, और अगर मान लो नहीं पता लगता है तो ऑब्वियसली कुछ तो लिखोगे अब यहाँ पे। तो वो अगर क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव अगर मैं आपको बताऊँ तो आप क्या लिखोगे? तो आप भक्ति मूवमेंट की रूट्स को बताओगे, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि भक्ति मूवमेंट वॉज एसेंशियली फाउंडेड इन साउथ इंडिया, ठीक है? सेवन सेंचुरी, सेवन सिक्स सेवन सेंचुरी के अंदर ये राइज होने स्टार्ट होती है, पल्लवास के अंदर स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे करते नॉर्थ इंडिया तक पहुँच जाती है ड्यूरिंग द लेट 14th-15th सेंचुरी, ठीक है? मिडिवल पीरियड में 14th-15th शताब्दी जो है उस वक्त पे ये यहाँ पहुँच जाएगी नॉर्थ इंडिया में। फिर आपने यहाँ पर सारा का सारा सिस्टम समझाना है कि कैसे ये हो रहा है, किस तरह के लोग हैं, कैसे वो डेवलप कर रहे हैं, कौन है, क्या है उनका नेचर ऑफ भक्ति, क्या है हर बात, हर एक एक नेचर उसका डिफाइन कर देना। सो मूवमेंट जो है इटसेल्फ कहते हैं हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल फिनोमिना है जो क्रिस्टलाइज होती है कहाँ? साउथ इंडिया के अंदर, और लेट एंटिकिटी, लेट एंटिकिटी का पीरियड जो है दैट इज़ द 6th-7th सेंचुरी AD। इट वॉज प्योर हेडेड, किसने इस चीज़ की शुरुआत करी? तो कहते हैं डिवोशनल मिस्टिक्स थे। भक्ति का मतलब है क्या? भक्ति का मतलब सिंपली ये था कि जब आपके लिए सिर्फ भगवान से कनेक्शन मैटर करता है। सो भक्ति मीन्स डिवोशन, एग्जैक्टली अगर मैं लिटरल मीनिंग हम लोग करते हैं, डिवोशन के अंदर मिस्टिसिज्म की बातें होती हैं, फिलोसॉफिकल बातें होती हैं, जहाँ पर आप अपनी जो सेल्फ है उसको भगवान से कनेक्ट करने का काम आप कर रहे हैं, विदाउट द नीड ऑफ एनी रिचुअल्स, एनी सेरेमनीज और एनी ऑफ द XYZ थिंग्स, कोई मटेरियलिज्म और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू वुड नीड इज़ गॉड इन फ्रंट ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ एन आइडल एंड जस्ट द सेल्फ, द पर्सन इट्सेल्फ, ठीक है? ओके, नाउ डिवोशनल मिस्टिक्स हैं जो कि बाद में हिंदू संतों के रूप में जाने जाएंगे, एंड इन्होंने यहाँ पर भगवान की तरफ जो डिवोशन है, भक्ति है, उसको भगवान की तरफ एक प्यार के रूप में जताया। भगवान की भक्ति में एक इंसान दास के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करता है, एज अ सर्वेंट प्रेजेंट करता है, एंड यही उनका एम था। कहते दिस इज़ द मीन्स थ्रू विच यू कैन अचीव दैट स्पिरिचुअल परफेक्शन, नो रिचुअल्स नो सेरेमनीज वुड बी रिक्वायर्ड। नाउ इफ वी सी द, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ पहले, नाउ इफ वी सी द बैकग्राउंड ऑफ दिस कि ये किस समय में ये चीज़ होने जा रही है, होगा क्या वो तो हम बात कर लेंगे, लेकिन क्या है बैकग्राउंड, वाई इज दिस कमिंग राइट नाउ, वॉट इज द इशू? तो इन साउथ इंडिया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैड फ्लरिश्ड लाइक स्ट्रॉन्गली, एंड द किंग्स यूज टू पेट्रनाइज दीज टू रिलीजन्स, बुद्धिज्म जैनिज्म। नाउ द ब्रह्मानिकल सेक्ट
is supposed to have felt a certain kind of competition from these two and the kind of promotion that they were doing. Because बहुत सारे changes आए हैं दोनों के अंदर, Buddhism में भी Jainism में भी, जब idol worship का concept आ जाता है, use of Sanskrit हो जाता है, accumulation of wealth तक चीज़ें होने लगती हैं. तो यहाँ पर उनकी जो austerities हैं उनको underline करते हुए, here a section of people led a movement which is clearly called as an institutional development. Like this came out to be as an institution. This came out to be as a development that is deliberately there to, you can say, subside the idea of Buddhism and Jainism in South India. And to revive the Brahmanical culture, kyunki jo bhi rigidities hain, जब तक आप उनको फ्लेक्सिबल नहीं करोगे, लोग जो हैं किसी धर्म को अडॉप्ट करने में हिचकिचाएंगे, हेजिटेट करेंगे. सो नाउ द फ्लेक्सिबिलिटी दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्राह्मणिज्म, द हिंदू धर्म, वो क्या चीज़ थी हिंदुइज्म के अंदर, इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति, वेयर दे आर सेइंग दैट यू नीड नॉट टू have any kind of ritual, no ceremony, no temple is required. Now even the temple is not required, right? You need not to go there because bahut sare restrictions thi. Temples shudra ko nahi jane dete hain, they had a separate area. Brahmins were the ones who used to control these temples. To ek bar fir se rigidity aane lagti hai. Temple aane ka maksad yahi tha, at first place temple aaya hi isliye tha taki rigidity ko khatam kiya ja sake, jo ki vedic sacrifices aur rituals ki wajah se aa rahi thi. उसको ख़त्म करने के लिए जब एक सॉफ्टनेस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मूर्ति लेकर आते हैं, मूर्ति के बाद फिर टेंपल लेकर आते हैं और ये कम्युनिटी वर्शिप वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ टेंपल वर्शिप. अब क्या हो रहा है कि टेंपल का सारा जिम्मेदारी भी किसने उठा लिया है, ब्राह्मण्स ने उठा लिया है. तो वो ब्राह्मण्स का एक फिर से हेजेमोनिक कंट्रोल सा हो गया. तो फिर से आम जो जनता थी, या ऐसा कहें कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो थे, दे वर देन अगेन डिप्राइव्ड ऑफ इट. अब फिर से ज़रूरत थी कि कहीं दूरी ना बन जाए इस धर्म से, तो फिर से आपको कुछ नया लेकर आना था. और ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी आइडियोलॉजी तो विल गेट लॉस्ट, राइट? तो वी डोंट वांट इट टू लॉस्ट, वी वांट इट टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर लॉन्गर एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हैंस दैट इज़ वाई हियर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वेर यू कैन pray God, where you can worship God in your own language, in your own beautiful voice, as a lover to God. So instead of all this materialism, जिसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, या मंदिर के अंदर आप जाओगे तो बहुत सारा प्रसाद लगता है ना, तामझाम लगता है, एक्स्ट्रा एक्स वाई जेड थिंग्स लगती हैं, वो जो है अब आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा. यू कैन जस्ट कनेक्ट विद गॉड, अपने सामने भगवान को रखो और बात करो अपने सारे दुख दर्द से. तो एक पर्सनलाइजेशन वाला जो लेवल है वो यहाँ पर लाया गया, ताकि इंसान भगवान के साथ कनेक्शन वो फील करे, ठीक है? और ये आया कौन से एरिया में? आता है तमिलनाडु के रीजन, जहाँ पर पल्लवाज वर फ्लरिशिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और यहाँ से निकलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड. मोनोथीज्म के ऊपर बड़ा फोकस किया गया, और ये वन गॉड, दो अलग ग्रुप्स निकलेंगे, बट दे बिलीव दैट दिस वन गॉड इज आर गॉड. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दो सेक्शंस निकलने वाले हैं, one are the Alvars, the other are the Nayanars. So 12 Alvars and 63 Nayanars, they were a kind of saints, jinko hum Tamil bhakti saints kehte hain. The Alvars used to worship Lord Vishnu and the Nayanars used to worship Lord Shiva. To ek Vaishnavite aur ek Shaivite movement jo hai wo start hoti hai, aur inke liye ye supreme bhagwan hai, iske ilawa aur koi nahi. Alvars ke liye bhagwan Vishnu hi sab kuch hai, wahi is duniya ke karta धरता, इस दुनिया को बनाने वाले, द क्रिएटर, एवरी थिंग इज हिम, द लाइफ इज थ्रू हिम. ऐसे ही नयनार्स के लिए भगवान शिव हैं. यहाँ अलवर्स जो हैं दे आर सेइंग फॉर लॉर्ड विष्णु कि भगवान विष्णु, हमारे जो रिलेशनशिप है मेरा भगवान के साथ, वो भगवान से कैसा है? इट्स ऑफ अ लवर एंड अ बिलव्ड, ऑल्सो एज अ मदर एंड अ चाइल्ड ऑल्सो. एंड मोस्टली यहाँ पे एक बात बड़ी ध्यान देने वाली थी कि कविताओं के रूप में यहाँ पर बहुत सारी रचनाएँ हुई हैं, लॉट्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ पोइम्स इन द फॉर्म ऑफ दीज प्रेयर्स. तो ये जो कविताएँ जब गाई जाती हैं, एक बड़ी ही अनोखी यहाँ पे बात थी, वेरी यूनिक थिंग, दैट हमेशा जब गाया जाता था तो इट वॉज ऑलवेज इन अ फीमेल वॉइस. वेदर इट इज़ अ मेल सिंगिंग, दैट पर्सन इज गोइंग टू टॉक इन फीमेल वॉइस. एवरी टाइम द गॉड इज बींग रिवर्ड, द गॉड इज ऑलवेज कंसिडर्ड मेल एंड द वर्शिपर इज ऑलवेज कंसिडर्ड फीमेल.
चाहे बायोलॉजिकली मेल हो लेकिन कंसिडर किया जाता है कि वो एक फीमेल जैसे एक अपने लवर को बुलाती है, उसकी याद में रोती है, उसकी याद में यू कैन से उसकी लॉन्गिंग के लिए, दैट दैट शी फील सेपरेशन, शी क्राइज. इन द सेम वे दिस वर्शिपर, दिस फॉलोअर इज ऑल्सो क्राइंग फॉर गॉड, वॉन्टिंग गॉड कि भगवान मेरे पास आए, मैं भगवान से कुछ कहना चाहती. लाइक सो इट वॉज अ ट्रू कनेक्शन ऑफ द सेल्फ टू द गॉड. ओके, जो कि बड़ा सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाया गया. सो दिस पर्सनल डिवोशन वॉज नाउ द सोर्स ऑफ सेल्वेशन, यहाँ से मुक्ति थी. ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे. सो ये जो सेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि सम ऑफ होम वर ऑल्सो वुमेन, वुमेन हैं एग्जैक्टली, बट जो मेल्स हैं वो भी वुमेन की लैंग्वेज में ही बोलते हैं, मतलब स्पीच वैसी है, आवाज़ वैसी निकालते हैं, फीमेल वॉइस. लोकल लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पर लिखा गया है जितनी भी कविताएँ अब जिनको हम प्रेयर्स कह रहे हैं वो लिखी गई हैं, जो कि है तमिल एंड तेलुगु. ठीक है, ट्रेवल्ड वाइडली टू स्प्रेड देयर मैसेज. जहाँ जहाँ पर जाएगा ना वहाँ वहाँ की लोकल लैंग्वेज यूज़ होगी. ये बड़ी कमाल की बात है. अगर यहाँ पे है तमिलनाडु में तो तमिल, आंध्रा पल्लवास का एरिया ऊपर वाला भी था, सदरन आंध्रा एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु, तेलुगु और तमिल दोनों में मिलेगा. कर्नाटका में जाओगे तो कन्नड़ में मिलेगा, महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी लैंग्वेज के अंदर मिलेगा, गुजरात के अंदर गुजराती लैंग्वेज के अंदर लिटरेचर मिलेगा. ऐसे ही जहाँ जहाँ जिस एरिया में जाओगे, यूपी में जाओगे तो ब्रज भाषा अवधी में मिलेगा, डिफरेंट डायलेक्ट्स के अंदर भी मिला है, राजस्थान के अंदर राजस्थानी के अंदर भी मिलेगा आपको. सो बहुत सारी डायलेक्ट्स को यूज़ किया गया है. इट नॉट नॉट नेसेसरीली बी अ प्रॉपर लैंग्वेज, दे वर मोस्टली डायलेक्ट्स. ओके, नीचे साउथ इंडिया वाली जो लैंग्वेजेस हैं वो तो प्रॉपरली हैं बाकायदा लैंग्वेजेस, लेकिन ऊपर जो बोली गई हैं दे वर डायलेक्ट्स नॉर्दर्न इंडिया के अंदर. आगे चलते, सो दे ट्रैवल्ड वाइडली टू स्प्रेड देयर मैसेजेस ऑफ लव एंड डिवोशन टू एवरी वन, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड का हो. तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा. अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि टेम्पल्स का एक बार फिर से रिजिडिटी राइज होने लगता है, वो रिजिडिटी जो है अब नहीं रह रही है. फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्लियर प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, लाइक आई सेड टू यू. और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वॉज दी हेगियोग्राफिकल वर्क. हेगियोग्राफिकल वर्क क्या है, जहाँ पर आप वो जो संत हैं उनकी कविताओं को तो आप बोल ही रहे हैं, बट सब लोग यूज टू सिंग इट, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर उन संतों की बायोग्राफीज तक भी लिखी गई जिसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है. ठीक है, रिलेशनशिप और एक कैनोनिकल फॉर्म के अंदर पेश कर दिया गया, लाइक फॉर पीपल टू रीड इट लाइक अ टेक्स्ट. ओके, जैसे धर्म के अंदर टेक्स्ट पढ़ते हैं ऐसे कैनन्स के फॉर्म में बना दिया. देन रिलेशनशिप की बात हम लोगों ने की थी, और अब इसके बारे में आप जब आंसर लिखोगे, क्योंकि अब नॉलेज बहुत सारी है ना, लेकिन क्वेश्चन से अब कनेक्ट भी करना है सारा का सारा. तो अब क्योंकि वहाँ पे बोला गया कि द्रविड़ दिशा का बताना है, सिर्फ द्रविड़ दिशा से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे सो यू विल ऑल्सो सी कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि कर्नाटका जाती है, फिर महाराष्ट्र जाती है, गुजरात जाती है. तो आप मेंशन करो यहाँ पे एक एक सेंटेंस में, एक पॉइंट के अंदर, कि भाई इसके बाद फिर कर्नाटका के अंदर देखने को मिला, वहाँ पे बासवन्ना का लिंगायत सेक्ट या जिसको वीर शैविज्म भी कहा जाता था वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस होता है. महाराष्ट्र के अंदर जाते हैं तो ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ऐसे कई सारे आपको यहाँ पर मिले जो संत जिन्होंने ये बातों को और आगे बढ़ाया. फिर इसके बाद और आगे चलते हैं गुजरात के अंदर, तो वहाँ पे यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ नरसिंह मेहता इनिशियली, जिन्होंने फिर से वैष्णव भक्ति को और ज़्यादा प्रमोट किया. एंड देन मीराबाई इन द सेम रीजन, मीराबाई हैज़ अगेन हैज़ रिवर्ड लॉर्ड कृष्ण, और वहाँ पे अगेन बात हो रही है वैष्णविज्म की. ठीक है, तो इस तरीके से करके उनको उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर देने आपने, और फिर आपने बताना है नॉर्दर्न इंडिया के साथ कनेक्शन. अब आप कंक्लूडिंग एंड पे आ चुके हो, तो फाइनली क्या लिखोगे कि इट रीच नॉर्थ इंडिया विद द सेंट्स लाइक रामानंद. इट वॉज ओनली फ्रॉम द 15th सेंचुरी दैट देर वॉज दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटबर्स्ट ऑफ डिवोशनल पोइट्री, बहुत होने लगा नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी. और सोसाइटी जो थी, क्योंकि इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा कास्ट रिडन कम्युनिटी है और काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टिशन, सेग्रीगेशन, आपसी एक एक हेट्रेड वाली फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी. ठीक है, आइडोलेट्री, पॉलिथिज्म की बड़ी प्रैक्टिसेस हैं, कई सुपरस्टिशन सेरेमनीज वगैरह में लोग बिलीव करते थे, लेकिन ये सब लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं. और किसी तरीके का जो फॉर्मलिज्म है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मलिज्म, किसी तरीके का कोई फॉर्मल एटीट्यूड एंड रिलीजन, जिसको हम कहते हैं ना फॉर्मैलिटी, तो वो फॉर्मैलिटी नहीं करना है. तो ये नॉन फॉर्मैलिटी वाली बातें,
अनवांटेड फॉर्मुलिज्म के बारे में यहाँ पर कहा जाता था कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, जो आप सोच रहे हैं कि यही है भगवान, तो भगवान कुछ और हैं और आपका कनेक्शन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो और आपका भगवान से कनेक्शन नहीं है तो नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस। ठीक है, ये चीज़। सो भक्ति मूवमेंट एक और बहुत बड़ा चेंज थी इन द रिलीजियस जर्नी ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको पूरा रिलीजियस जर्नी बताया तो आपने सेंस लिख दिया इसका, कि इसी की वजह से आगे हम देखते हैं इमर्ज्ड अ सिचुएशन ऑफ कॉम्पिटिशन, बट एट द सेम टाइम इट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू हिंदुइज्म एज इट हैड बिकम मोर एसिमिलेटिंग एंड इंक्लूसिव नाउ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मेरे लेक्चर के बाद जो मैंने ब्रीफ किया है उसके बाद आप ये समझ सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि समझाया मैंने इस तरीके से, ये एसेंस बता रही थी मैं आपको, और इसी को आप कॉन्क्लूजन के अंदर लिख सकते हैं कि अब ये एक ऑल इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट थी। ठीक है, जहाँ पर किसी तरीके का सेग्रीगेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज किया जाता था।